रीवा में खनिज का अवैध तरीके से परिवहन कर रहे सात हाईवा जब्त। गोविंदगढ़ में चार, हनुमना में तीन प्रकरण दर्ज। नमस्कार, मैं मीरा पांडे और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। रीवा जिले में खनिज विभाग, राजस्व व पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में सात हाईवा जब्त हुए। जिला खनिज अधिकारी रत्नेश दीक्षित ने बताया कि कलेक्टर मनोज पुष्प के निर्देश पर खनिज पदार्थों के अवैध उत्खनन व परिवहन के विरुद्ध ताबड़तोड़ दबिश की जा रही है। मंगलवार बुधवार की रात गठित दल ने रीवा गोविंदगढ़ मार्ग में वाहनों की जांच की। विभिन्न हाईवा की चेकिंग में चार वाहनों को ईटीपी में दिखाई गई मात्रा से अधिक रेत का परिवहन करते हुए पकड़ा गया। ऐसे में जब्त वाहनों को गोविंदगढ़ पुलिस को सौंप दिया गया। इसी तरह कलेक्टर द्वारा गठित संयुक्त दल ने हनुमना मार्ग और इलाहाबाद मार्ग में वाहनों की जाँच की। चेकिंग के दौरान तीन हाईवा ईटीपी में दर्ज मात्रा से अधिक परिवहन करते हुए पकड़े गए। इनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर संबंधित थाना क्षेत्रों में वाहनों को जब्त कर खड़ा कराया गया। जिला खरीद अधिकारी ने कहा कि सभी सात प्रकरणों को जिला न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। साथ ही मोटर मालिकों से अपील की है, कहा कि परिवहनकर्ता निर्धारित मात्रा में ही खनिज पदार्थों का परिवहन करे, क्योंकि ओवरलोड वाहनों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।